नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। जब इमरान खान ढोल बजा रहे थे, शेख रशीद पहला आदमी था जो घुंघरू पहनकर गधैया नृत्य कर रहा था, मगर आज वह क्वारंटीन में है, जबकि इमरान के गले में पड़ा ढोल फूट चुका है। यानी इसे कहते हैं तब्दीली और इसे कहते हैं विजन। मदीने की रियासत भी इसे ही कहा जाता है। रईसई कसर हांगकांग के स्टडी ग्रुप ने पूरी कर दी है। पाकिस्तान कोरोना वायरस से निपटने वाले 100 देशों में भी शामिल नहीं हो सका। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाले इमरान का भेद इस रिपोर्ट ने खोल दिया। हांगकांग के स्टडी ग्रुप ने इमरान सरकार को कोरोना वायरस से निपटने और इस हवाले से व्यवस्था करने में नाकाम करार दे दिया। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान एशिया का पहला और विश्व का चौथा खतरनाक देश बन गया है, जिसके हुक्मरानों में अपनी जनता को किसी भी आफत से बचाने की कोई योग्यता नहीं है। कोरोना से निपटने में भारत 56वें, बांग्लादेश 84वें और पाकिस्तान 148वें नंबर पर है। 280 देशों पर एसटीडी ग्रुप की इस रिपोर्ट में उन देशों की तुलना की गई है जो कोरोना वायरस से निपटने में जुटे हुए हैं। इसके लिए क्वारंटीन की व्यवस्था, वायरस की जांच, अर्थव्यवस्था के नुकसान को गति का आधार बनाया गया है। इस रिपोर्ट ने इमरान के उस दावे की भी धज्जा उड़ा दी है जिसमें उन्होंने अपने आवाम को सबसे बड़ा पैकेज देने का दावा किया था। इमरान खान ने एहसास प्रोग्राम के अंतर्गत 12,000 रुपए का राहत पैकेज आवंटित किया था, जबकि रिपोर्ट यह बताती है कि पाकिस्तान उन देशों में शामिल हो चुका है जहां कोरोना तेजी से फैल नहीं रहा है, बल्कि इनकी तशरीफ पर बकरी कुदान भी कर रहा है। एसटीडी ग्रुप की रिपोर्ट के मुताबिक सेफ्टी स्कोर के मुकाबले भी पाकिस्तान अंतिम पायदान पर है, जिसके हिसाब से सबसे ज्यादा सेफ्टी स्कोर सिंगापुर का है। पाकिस्तान 370, भारत का 530वां और बांग्लादेश का 482 है। इसका मतलब यह है कि ढोल केवल इमरान बुसराय बाजवा का ही नहीं फूटा है, बल्कि तेमंद पहनकर तशरीफ को 180 डिग्री उठाने वालों का भी फूट चुका है। यही वजह है कि अब मामला ढोल से चलकर खतरे की घंटी पर आ गया है, जो पूरे पाकिस्तान में बज रही है। पर अच्छी बात यह है कि ये दिन देखने के लिए शेख रशीद बार नहीं है, लेकिन डी चौक वाली वो जनता जरूर मौजूद है जिसने तबेले की भैंसों को हिकारत भरी निगाहों से देखा था। यानी मदीने की रियासत तबेलों में तब्दील हो चुकी है और इमरान का विजन पाकिस्तान का नया अध्याय लिख रहा है। मतलब जिसके लिए भारत ने हथियारों पर अंधाधुंध पैसा बाया है, वह हुरमिलाप के लिए कमर कस चुका है। आज सुबह तक के आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान में संक्रमितों की संख्या 113,000 हो गई है, जबकि 2,200 लोग हुरों की तलाश में फरार हो गए हैं। अब खुद इमरान खान ने ऐलान कर दिया है कि जुलाई अगस्त में देश में कोरोना मरीजों की संख्या चरम पर पहुंच जाएगी। वैसे शेख रशीद के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद पाकिस्तान पर आफत की शुरुआत हो चुकी है। फिलहाल उसकी हालत खराब होती जा रही है। शेख रशीद को उर मिलेगी या नहीं, पर पाकिस्तान में उससे पहले हजारों दावेदार तैयार हो गए हैं। यानी मुल्लाओं के बीच में मुर्गी अंडा देकर जा चुकी है। अब अंडा एक, मुल्ला नेक पर असली संघर्ष छिड़ने वाला है, परंतु पाकिस्तान को यहां तक लाने में इमरान लोंडे का बड़ा हाथ है। शुरुआत में खुद इसने ही कोरोना का एक सामान्य फलू बताया था। इसके पीछे चीन को समर्थन देकर अपनी दोस्ती निभाई गई। बाद में दुनिया चीन के खिलाफ हुई तो इमरान को भी सच्चाई स्वीकारनी पड़ी, मगर तब तक वे बहुत बड़ी गलती कर चुके थे। पाक के मुल्ला यूं भी गवारू प्रवृत्ति के माने जाते हैं। उन्होंने कोरोना वायरस को एक फलू के ही तौर पर लिया है, जिसका नतीजा यह हुआ कि यहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जा तो उड़ाई ही गई। कट्टरपंथियों ने इस पर कुरान का लेबल और चिपका दिया। इसके बाद से यहां कोरोना ज्यादा तेजी से फैलता चला गया। इमरान खान ने भुखमरी के डर से लॉकडाउन को ज्यादा सख्त नहीं किया, इससे भी मामले यहां बहुत तेजी से बढ़ते चले गए। अब पाकिस्तान के विशेषज्ञों ने कोरोना पर जो आकलन किया है, उससे तैमंद बाजार में सन्नाटा पसर गया है। उनके मुताबिक इस महीने के अंत तक यहां 8,00,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। यह तब है जबकि यहां जांच की गति अभी भी बहुत धीमी है। अगर जांच में युद्ध स्तर पर काम हुआ तो यह संख्या 18,00,000 पहुंच सकती है। इसका मतलब यह है कि इमरान खान के पास कोरोना से बचने का एकमात्र यही हथियार बचा है, यानी कम टेस्ट, कम केस। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।